ये 40 mm कैपेसिटी का डेड इंच का सबसे हेवी वाला मॉडल है। इसमें स्पिंडल अप डाउन 12 इंच का और इसका सेंटर डिस्टेंस 15 इंच का आएगा। ये सबसे हेवी वाला मॉडल है। इसमें मिलिंग के लिए स्लाइड दिया हुआ है, कीवे के लिए, टेपिंग के लिए पैनल दिया हुआ है और रेगुलर ड्रिलिंग भी हो जाएगा। तो ये 3-in-1 वाला ड्रिलिंग, मिलिंग और टेपिंग वाला मॉडल है। ये इसमें टेपिंग पैनल है, इसमें भी 3 मोड आएंगे। ये मिलिंग स्लाइड है, इस पर आप कीवे कर सकते हो और रेगुलर यूज़ में आप ब्राउन प्लेट लगा के ड्रिलिंग कर सकते हो। ये फाइन फिट वाला सबसे हेवी वाला मॉडल है। इसका स्पिंडल ट्रैवल 12 इंच और इसका सेंटर डिस्टेंस 15 इंच आएगा। आइए इसका टेपिंग पैनल का वर्किंग देखते हैं। इसमें पहली पोजीशन पे ये ग्रीन बटन से ऑन होगा और रेड बटन से ऑफ होगा। ऑन ऑफ के लिए पोजीशन 1 में आपको काम करना होगा। ये ग्रीन से ऑन होता है मशीन और रेड से ऑफ होगा। फिर दूसरा पोजीशन है वो फुट ऑपरेटेड रहता है। अभी दूसरे पोजीशन में आप जितनी देर पेडल प्रेस करके रखोगे उतनी देर मशीन चालू रहेगा। ये स्पेशल पर्पज़ में यूज़ होता है। इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, आप ऑटो रिवर्स भी कर सकते हो। और ये तीसरा पोजीशन है, इसमें जैसे ही आप हैंडल नीचे उतारोगे मशीन अपने आप चालू हो जाएगा और हमने जो डिसाइड सेट की है लेवल स्विच वहाँ पे टच करते ही ऑटो रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा हैंडल वो अपने आप मशीन बंद हो जाएगा। इसमें आप MT4 का शाफ्ट है और थ्रेडेड है आगे की साइड में, तो आप इसमें इस तरह का मिलिंग और ये वाला टेपर MT4 का JT6 टेपर आर्बर चक भी लगा सकते हो। ये मशीन का कैपेसिटी 1.5 इंच का है। आइए अब इसका गियर मैकेनिज्म देख लेते हैं। अभी रेगुलर है, ये रेगुलर स्पीड पे चल रहा है। 4 स्पीड रेगुलर और 4 स्पीड गियर से आएंगे। टोटल 8 स्पीड वाला मॉडल है। पहले ये अभी आगे का पिन है वो निकालना होता है डबल में डालने के लिए। आगे का पिन निकाल के इस पर आप हाथ से एक बार चेक करना होता है कि गियर फ्री और पुली फ्री हो रहा है या नहीं। वो फ्री होने के बाद आपको पीछे से आउट सेंट्री को आगे करके गियर में एंगेज करना होता है और उसके बाद हाथ से एक बार चेक करना है कि एक्चुअली एंगेज हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको मशीन चालू करके देखना है। ये अभी स्लो स्पीड पे चल रहा है। टेपिंग में ज़्यादातर स्लो स्पीड में मशीन काम करता है। ये फाइन फीड है, स्लो स्पीड में स्पिंडल अप डाउन के लिए ये फाइन फीड दिया हुआ है। ये रोटेशन के लिए है। ये हमारा 3-in-1 वाला ड्रिलिंग, मिलिंग एंड टेपिंग है। अभी हमने राउंड वर्किंग प्लेट लगाया है।